बकशॉट, सिम्बा को लेकर कहाँ गए थे तुम? मुझे फिक्र थी, सभी जगह हमने तुम्हें ढूंढा। तुम जानते हो कि तुम दोनों को अकेले यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए। और वो अगर पानी में गिर जाते तो ऐसे करते। ये हंसने की बात नहीं है, मैं तैरना सीख रहा हूँ। देख लेना तुम लोग, बाद में तुम्हारा ही मजाक उड़ाऊंगा मैं। बंद करो ये तूतू मैं, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। अब तुम सब शांत हो जाओगे और अपनी गुफा में जाओगे। रात के खाने का समय हो गया है, उसके बाद हम बातें करेंगे बैठकर। क्या हुआ सिम्बा, क्या सोच रहे हो? पापा की बहुत याद आ रही है। मुझे पता है तुम्हें उनकी कमी महसूस हो रही है। अभी सब शांत हो जाओ और अच्छे बच्चों की तरह अंदर चलकर खाना खाओ आराम से। चलो चलो। मैं सोना चाहता हूँ। नहीं, अब तुम अंदर जाओ, नहीं तो वो सब कुछ खा लेंगे और तुम्हें भूखा सोना होगा। सभी काम सही समय पे करना तुम्हें सीखना है। ये लो, मेरा है, मुझे दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे लो, मुझे लो। क्या कर रहे हो? मुझे डर है कि मैं शेर के बच्चों को सिखा नहीं पाऊंगी जैसा कि मैं चाहती हूँ। जंगल में जीने के लिए उन्हें बल और ज्ञान की जरूरत होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि उनके पिता से ये मेरा वादा है, जो एक महान शूरवीर और स्वाभिमानी राजा थे। उसने मुझे और मेरे बच्चों को भी बचाया। सिम्बा को एक नया परिवार मिला और उसे एक नया दोस्त भी मिला, बकशॉट। उसके साथ मिलके जंगल के राज ढूंढ निकालना सिम्बा ने शुरू किया। शेर के सभी दोस्तों ने उसके तीन बच्चों की देखभाल करने का वचन दिया था, लेकिन उन्हें उनके पिता समान।